नॉर्मली क्या होता है, अगर हम में से किसी को सर्दी जुकाम होता है तो हम तुरंत केमिस्ट के पास चले जाते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर से भी दवाइयाँ ले लेते हैं। क्योंकि हम दवाइयाँ लेते हैं इसलिए खबर आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने 156 FDC दवाओं पर बैन लगाया है। FDC दवाइयाँ, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, इन्हें कॉकटेल दवाइयाँ भी कहा जाता है। इन्हें दो या दो से अधिक दवाओं के निश्चित फार्मास्यूटिकल अनुपात के अनुसार मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपको सर दर्द हो रहा है तो उसकी एक दवा होगी, बुखार हो रहा है तो उसकी एक दवा होगी, और उन दोनों को मिलाकर एक दवा मार्केट में बेची जा रही है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो डॉक्टर की मिलीभगत से इन दवाओं को बेच रही है। केंद्र सरकार के एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात का दावा किया है कि इससे लोगों के शरीर पर हानिकारक असर हो रहा है जो देखने को मिल रहे हैं। उसी को रोकने के लिए 156 दवाइयाँ इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इस लिस्ट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इसमें बुखार और दर्द की दवाएँ शामिल हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं वो आप बिल्कुल भी मत खरीदिए क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही कुछ जानकारी वाले वीडियो अपडेट्स के लिए फॉलो करिए हमारे पेज को।